नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। गोवर्धन में राहुल की सदस्यता समाप्ति का विरोध, कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर एसडीएम गोवर्धन को दिया ज्ञापन। शनिवार को गोवर्धन के ब्लॉक सभागार पर आयोजित तहसील दिवस में गोवर्धन क्षेत्र के कांग्रेसियों द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के विरोध और राहुल गांधी द्वारा अदानी प्रकरण पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिलाए जाने के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी गोवर्धन कमलेश गोयल को दिया गया। शनिवार को कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में झंडा बैनर लेकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए गोवर्धन ब्लॉक पर पहुंचे और एसडीएम गोवर्धन को ज्ञापन सौंपकर राहुल गांधी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिलाए जाने की मांग की। कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव नरेश पाल सिंह जशावत ने बताया कि देश के सभी राज्यों में तहसील स्तर पर ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से मांग की जा रही है कि राहुल गांधी के प्रश्नों के उत्तर दिलाए जाएं, जिसमें नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अदानी के बीच क्या संबंध है, गौतम अदानी के व्यापार में विदेशों से आया 20,000 करोड़ रुपया किसका है और कितनी बार विदेश यात्राओं में वह गौतम अदानी को अपने साथ ले गए तथा अदानी कंपनी को प्रधानमंत्री जी द्वारा कितने और किन किन देशों के ठेके दिलवाए गए आदि प्रश्नों के उत्तर दिलवाए जाएं। इस अवसर पर एसडीएम गोवर्धन कमलेश गोयल, क्षेत्राधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा, नवागत थाना प्रभारी गोवर्धन ओम हरि बाजपाई और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए जानते हैं जिला कांग्रेस महासचिव नरेश पाल सिंह जसावत ने क्या कहा। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। जसावत है और आज जो है हमने ज्ञापन ब्लॉक वाइज और तहसील वाइज दिए। कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिले पर और रात को हमारे पास मैसेज आया ऊपर से कि आपको हर ब्लॉकों में आपको ज्ञापन देना है। राहुल गांधी जी ने जो महंगाई के खिलाफ और इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ अड़ानी, गौतम अडानी जी के उसमें उन्होंने मुद्दा उठाया था कि आपके पास 20,000 करोड़ रुपए विदेशों से आए, उसकी डिटेल बताएं। और उन्होंने दिखाया कि आप जो है कहाँ से ये क्यों इनका साथ इतने दिनों से आपका हैरा जा रहे हैं, आप कहाँ विदेशों में जा रहे हैं, विदेशों में आपका क्या संबंध है, इनको ले जाके कॉन्टैक्ट आप दिलवा रहे हैं। तो वो मुद्दे विपक्ष में उठा रहे थे और विपक्ष में मुद्दे उठाने पर उन पर एक कोर्ट के जरिए एक अपनी सरकार का बचाव करा के एक कोर्ट का वो लगा करके उन्होंने और वहाँ एक पार्टी खड़े किया, जबकि उसमें पहले कंप्रोमाइज भी हो चुका था कि इस तरीके से वो कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आप देखिए कि इनके पास इतने अमित शाह जी के ऊपर इतने केस लगे हुए हैं, उनमें कुछ नहीं हुआ। मोदी जी के ऊपर कितने केस लगे हुए हैं, उसमें कुछ नहीं हुआ। और तमाम ऐसे मुकदमे हैं जिनमें 10-10, 20-20 साल अभी तक कोई फाइलों पर सुनवाई नहीं है। तो ये ऐसे ही कौन सी वो हो गए हैं कि इन्होंने जरा सा क्या बोल दिया ऐसा। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो एक दूसरे की आवाज़ उठाई जाती है, बोला भी जाता है। तो यहाँ तो एक लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, ये तानाशाही रवैया है इनका। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अभी यह तहसील दिवस है तो कितने लोग यहाँ घूम रहे हैं समस्या को लेकर के, जो कांग्रेस पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं। थाने में कोई सुनने वाले नहीं है, यहाँ सीओ साहब और ये तमाम एप्लीकेशन भी नहीं गई है। एक दूसरे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं और उसके आए दिन लगते हैं। बीजेपी के सांसद 26 साल पुराने एक वीडियो मेरे पास भी आया राजस्थान से, वो बोल रहे हैं। तो इनकी पार्टी का कोई संतुष्ट भी नहीं है, उसके बाद भ्रष्टाचार के अलावा और चंद लोग हैं इनकी पार्टी में जो एजेंट हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ, हम आज तो ज्ञापन दिया है लेकिन आगे हम प्रदर्शन करेंगे, रोड पे उतरेंगे और ये सरकार बहुत जल्दी खत्म होगी। इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे बड़े से बड़े।